तो भाई हम जो है रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे और रिडॉक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तक पढ़ लिया था, मतलब डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखे थे अगर तुम लोगों को याद हो तो, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट और मास। और हमने डेफिनेशन के बाद कुछ रिएक्शंस के बेसिस पे देखा था कि भाई कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं चीज़ों का यूजिंग द मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ तक हमने लिखा था, याद है? और इसके नीचे एक स्टेटमेंट मुझे लिखवाना था तुम लोगों को, दिस मस्ट हैव बीन द लास्ट थिंग दैट यू रोट, राइट? सत्य है या नहीं है? बिल्कुल। तो एक लाइन लिखनी है और फिर अपन एन फैक्टर पे आ जाते हैं। अपने को एन फैक्टर सीखना है। एन फैक्टर क्यों सीखना है कि अब हम इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हम एन फैक्टर की मदद से थोड़ा जल्दी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। सत्य है, बिल्कुल। तो इसके नीचे एक लाइन ऐड करो बेटा, ऐड अ लाइन। इसके नीचे एक लाइन ऐड कर दो। हियर वी सी दैट Here we see that equivalent weight, ठीक है पीयूष, अपन होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे, एक बार लिख लो आप, उसके बाद होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। Here we see that equivalent weight is the ratio of atomic weight and some factor। हमने जो एग्जांपल्स ऊपर देखे थे उसमें जो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ रहा था वो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय सम फैक्टर आ रहा था, और उस फैक्टर को ब्रैकेट में लिख लो, से एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, उस फैक्टर को हम एन फैक्टर कहेंगे या वैलेंसी फैक्टर कहेंगे आगे चल के। ब्रैकेट क्लोज्ड, विच इन अबव थ्री केसेस, या विच इन अबव थ्री केसेस मत लिखना, विच इन अबव, किस तरीके से लिखोगे इसको, विच इन अबव केसेस ऑफ एल्यूमिनियम कॉमा जिंक एंड मैग्नीशियम वॉज इक्वल टू द रिस्पेक्टिव वैलेंसीज, वॉज इक्वल टू देर रिस्पेक्टिव वैलेंसीज, तो देर फोर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर विल बी योर इक्विवेलेंट वेट। अब होगा ये कि अपने को फॉर्मूला मिल गया, तो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिर्फ एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, इसलिए अपन इसके केसेस अब पढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, दिस इज दी थिंग दैट वी नीड टू स्टडी। लिखा यहां तक सब लोगों ने, तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर लूं। तो अभी किसी ने कहा कि एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या? नहीं यार, इसमें तो सारी रिएक्शंस कर ली थी अपन ने, ये तो सारी रिएक्शंस कर ली थी ना, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं था। कौन से दो बचे थे? अच्छा, बैलेंसिंग। ओके ओके ओके, तो ठीक है बैलेंसिंग का तो, अच्छा ये वाले ना, ठीक है इनके आंसर्स दे दूंगा मैं, या भी दे दूं आंसर, चलो ठीक है आंसर लिख ही लो। एक काम करो,
इसका आंसर लिख लो तुम, ये मैंने बैलेंसिंग की होमवर्क दी थी। ओके ओके, मैं सोच रहा था तुम इक्विवेलेंट की कह रहे हो। आंसर बता दूं इन दोनों के, जल्दी बताओ, इनके आंसर दे दूं बैलेंसिंग के? ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर दिस विल बी 3 ClO नेगेटिव प्लस 2 CrO2 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव गिविंग यू 3 Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। ये पहले का आंसर आएगा, और सेकंड वाली आपको क्या दी थी, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 नेगेटिव। ओके, तो इसका आंसर भी अपन देख लेते हैं। इसको अपने को बैलेंस करके ही देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लिख लिया क्या? तो इस वाली को मैं जल्दी से बैलेंस करके बता दूं। सेकेंड वाली को बैलेंस कर लें जल्दी से, आई हैव टू बैलेंस इट आउट, या तुम करोगे? चलो मैं फटाफट से कर दूंगा बैलेंस, जल्दी बताओ करोगे? ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक काम करो, सेकेंड को कर लेना बैलेंस, फिर देख लेंगे, इन फैक्टर पे आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, कुछ दिक्कत आएगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा टारगेट एन फैक्टर है, तो हम उस पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमको लिखनी है, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। This is something that we need to learn. मोहित बेटा तो भेज तो दिया था ग्रुप पे मैंने, रिडॉक्स का मॉड्यूल कैसी बात कर रहा है। नंबर वन, तो पहला केस जिसमें हम इनफैक्टर निकालना सीखेंगे, फॉर एसिड्स एंड बेसिस, फॉर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के लिए इन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। तो लिखो, इन फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एच प्लस आयंस गिवन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो एसिड या तो H प्लस रिलीज करेगा या OH माइनस गेन करेगा, दो में से एक काम करेगा। तो पर मॉलिक्यूल जितने H प्लस देता है या पर मॉलिक्यूल जितने OH- गेन करता है, ये उसका एन फैक्टर कहलाएगा। इसके मैं एग्जांपल्स भी अभी आपको करवा दूंगा। इसको हम एसिड की बेसिसिटी भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो यहां ब्रैकेट में कहीं चाहो तो लिख लेना, दिस इज आल्सो कॉल्ड
एज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो बेटा इस लॉजिक से अगर एसिड के लिए एच प्लस और ओ एच माइनस है रिलीज करना और गेन करना, तो एन फैक्टर फॉर बेस क्या होता होगा? क्या गेन करेगा बेस? इसका उल्टा हो जाएगा। रिलीज क्या करेगा बेस? रिलीज क्या करेगा? ओ एच माइनस। और गेन क्या करेगा? एच प्लस। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे साथ साथ लिख लो इसको कि n फैक्टर फॉर बेस इज नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस गिवन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस और नंबर ऑफ एच प्लस आयंस गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, और इसको कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एसिडिटी ऑफ द बेस। This is also called as the acidity of the base. अब इसके अपन examples discuss कर लेते हैं भाई कि कुछ examples में हम n factor कैसे बताएंगे और reaction base भी देखेंगे कि reaction के basis पे कैसे बताएंगे n factor, compound और n factor। अच्छा एक जगह बेस लिख एसिड लिख दिया मैंने बेस की जगह, लो बेस, ठीक है ये देख लेना भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ एच प्लस आयंस गेन पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। ठीक लिख लो और समझते हैं अपन बातों को। सही है बेसी लिखा ना। हाँ मतलब खुद से सोच के लिखोगे तो बेसी लिखोगे, सही बात है। चलो अब अपन कुछ कंपाउंड्स और उनके एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो HCl, H2SO4, H3PO4, CH3COOH, COOH और COOH, किसी को इसका नाम याद है? COOH होल ट्वाइस, कुछ पढ़ा था आपने नाम, इसका नाम भी याद होगा, इसका भी याद होगा, भूल गए? ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCOOH भी पढ़ा होगा, फॉर्मिक एसिड याद है? ठीक है देखेंगे इनके इन फैक्टर लिखेंगे। फिर H3PO3 और H3PO2, फिर NaOH, MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस एंड सो ऑन। अभी इतनों के एन फैक्टर लिख लेते हैं अपन, फिर बात करेंगे। हाँ ऑर्गेनिक में सीखा था ना तुमने, वेरी गुड। तो इनके एक एक करके अपन एन फैक्टर डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक बार लिख लो एक कंपाउंड, फिर अपन बात करते हैं। लिखा तो ये इजी है, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। तो बेटा HCl कितने H प्लस देता है? एक, तो इसका एन फैक्टर एक। H2SO4 कितने H प्लस देता है? दो। H3PO4 कितने H प्लस देता है? तीन।
सी एच थ्री सी एच कितने एक्सप्रेस देता है, एक या चार? कुछ लोग कह रहे हैं एक, कुछ लोग कह रहे हैं चार, कुछ लोग कह रहे हैं तीन। तो बेटा ऐसा है क्या, कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन लिखे हैं सब दे देने हैं, सीधे आंख बंद करके सर जितने हाइड्रोजन है दे दो आप, तो ऐसा है क्या? तीन देने हैं, कहां से देने हैं तीन? सी एच थ्री सी एच में कौन से तीन हाइड्रोजन जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, सारे डिसोसिएट नहीं होते भाई। भाई ये सी एच थ्री सी एच में सिर्फ ये वाला एच प्लस जाता है, ये थोड़ा कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये पढ़ा होगा ना तुमने कहीं, ऐसा कहीं तो देखा होगा, सिर्फ ये एच प्लस जाता है, ये एच प्लस नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये एच प्लस कहीं नहीं जाते हैं। अब क्यों मत पूछो मोहित यार, तुम कैसी बातें करते हो, क्यों मतलब? भाई जहां से एच प्लस निकलेगा वहीं से तो निकलेगा, सी एच फोर एसिड होता है क्या? सी एच फोर एसिड होता है क्या? नहीं होता। मोहित जल्दी बता, होता है कि नहीं होता? तो क्यों नहीं होता ये, इसमें से एच प्लस क्यों नहीं निकलता? उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। अभी पीरियडिक टेबल पढ़ाई थी मैंने तुमको, उसमें मैंने बताया था कि भाई OH ग्रुप होता है उसमें से H प्लस निकलता है तो एसिड बनता है ऑक्सी एसिड, या OH माइनस निकलता है तो बेस बनता है, सिखाया था ना। तो CH3COOH में यहां से H प्लस निकलता है, कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन ना तो H प्लस की तरह निकलते हैं ना OH माइनस की तरह, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कभी भी H प्लस की तरह नहीं निकलते हैं, ये याद रखना। अब क्यों के लिए तो बहुत कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बट ये सत्य है। तो क्या आएगा एन फैक्टर भाई? एक। तो कुछ बातें हमको याद रखनी पड़ेंगी, है ना? हम ऐसा नहीं है कि सीधे हाइड्रोजन गिने तीन और एक चार और लिख दिए हैं चार। वी शुड नो कि सी एच थ्री सी ओ एच में सिर्फ सी ओ एच ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है। तुमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, इसको एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, दिस इज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। बाकी तुम डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। आगे आते हैं, अगर तुम इतनी बात समझ में आती है तो बेटा ऑक्सैलिक एसिड से कितने एच प्लस निकलेंगे? अब तो तुम बता सकते हो, दो। बिल्कुल सच है। फॉर्मिक एसिड से कितने निकलेंगे? एक, ठीक है? सिंगल सी ओ एच वाला, कार्बन से जुड़ा हुआ वाला नहीं निकलेगा, ठीक है? फॉर्मिक एसिड इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सिर्फ ये निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन एच प्लस की फॉर्म में नहीं जाएगा, ये जाएगा एस एच प्लस, ठीक है? एक। अब ये सब बातें मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई, अभी बताता हूं मैं तुमको। अगले वाले में कितना आएगा एन फैक्टर, एच थ्री पी ओ थ्री में कितना आएगा? तो ये सब बातें मैंने इसलिए बताई थी कि तुम अगले वाले का आंसर तीन ना दो, क्योंकि तीन तो यहां निकलता है एच थ्री पी ओ फोर में। चलो तुम साइड में स्ट्रक्चर बना लेना, एच थ्री पी ओ फोर होता है डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच और ओ एच, ठीक है? ये एच थ्री पी ओ फोर होता है, दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर एच थ्री पी ओ फोर। तो इसमें से एक दो और तीन एच प्लस निकलते हैं, हमने लिख दिया था तीन, बना लो तुम साइड में एक बार बना लो, इससे फिर एच थ्री पी ओ थ्री और एच थ्री पी ओ टू भी समझ में आ जाएगा। अभी बना लो जल्दी जल्दी बना लो स्ट्रक्चर, बना लिया क्या सबने? बना लिया कि नहीं बनाया, ये तो बताओ। तब से एक दो एक दो एक दो आंसर भेजने लगे हो, ठीक है? ये एच थ्री पीओ फोर का आया। अब अपन एच थ्री पीओ थ्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एच थ्री पीओ थ्री में बेटा पी स्ट्रक्चर बना लें अपन, सी फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर हटा दूं, हटा दो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है? देखो H3PO3 में P डबल बॉन्ड ओ OH OH और सिंगल H, अब कितने H+ निकलेंगे? कितने H+ निकलेंगे भाई? दो। तो N फैक्टर आएगा टू।
अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो कितने एच प्लस निकलेंगे? एक। सही बात है। तो ये H3PO3 का स्ट्रक्चर था। H3PO2 के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हो OH, H और H, सिर्फ एक एच प्लस निकलता है। तो आंख बंद करके डायरेक्टली एच देख के नहीं बता देना है, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं वो याद होने चाहिए। ज्यादातर मैंने तुमको बता दिया H3PO4 में दिक्कत आएगी, बाकी जगह दिक्कत नहीं आएगी, H3PO4 और उसके बाकी वाले। बाकी अगले तीन तो बहुत ही सिंपल हो गए। NaOH का आंसर, हाँ ये बना लो, ये बच्चों ये स्ट्रक्चर बना लो, H3PO3 और H3PO2 बना लेना स्ट्रक्चर भाई। और तब तक मैं आंसर ही बताया था। NaOH का आंसर 1, MgOH का आंसर होल ट्वाइस का आंसर 2, और AlOH का आंसर 3। बिल्कुल, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख लो और स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। फिर रिएक्शन में देखेंगे बेटा कि रिएक्शन में कैसे एन फैक्टर लिखते हैं। सवाल भी पूछ ही लेता हूँ, चलो यहाँ पे इतना कर लो तो थोड़ा सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ भाई लिख लिया, स्क्रॉल डाउन मतलब ऊपर से कुछ लिखना है क्या? गर्व कहाँ से क्या लिखना है? स्ट्रक्चर्स तो ठीक है, अभी तो मैंने बता दिए ना आपको, चिंता मत करो, बॉन्डिंग सीख लोगे तो स्ट्रक्चर आ जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस से ही आएंगे, मतलब सीखने ही पड़ेंगे थोड़े थोड़े। तो अभी तो तुम्हें बता दी जितने रिक्वायर्ड थे, तुमको अभी ज्यादा स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव बीन टोल्ड व्हाट यू नीड, याद रखना है H3PO3 PO2 में कैसे करना है। नहीं, विजिक्स। चलो भाई, तो अब मुझे इस इतनी लिस्ट बनाई है तो एक दो जवाब दे दो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना आएगा बताना जरा। एन फैक्टर निकालना आपने सीख लिया, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कितना आएगा? 36.5/1, तो 36.5 आएगा। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर सबको समझ में आता है। अच्छा और एक बात, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 बता दो, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 बता दो। H2SO4 कितना आएगा? मोलर मास बाय, मोलर मास बाय अपॉन क्या कर दूं? 2। बिल्कुल, 98/2, 49। H3PO4 का कितना आने वाला है? 1 किससे डिवाइड करना है इसको, किससे किससे, जल्दी बताओ जनता, कितना आएगा ये डिवाइड करना जरा, कितना आता है? 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा पुष्कर? 3 32 कैसे आएगा, पिट जाएगा, 98/3 करेगा तो 32.66 चलता जाता है, तो राउंड ऑफ करके 67 कर देते हैं उसको। बिल्कुल, 32.66666 चलता जाएगा, तो राउंड ऑफ करके 32.67। एक लास्ट और बता दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgO छोल्डर बता दो। चलो MgO छोल्डर बता दो कितना आएगा। अच्छा गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। अर्णव ठीक है, वैभव गड़बड़ है, डिवाइड गलत कर रहे हो, यशोधरा फिर गड़बड़ है भाई। मोलर मास कितना आता है MgO छोल्डर, इसका बताना जरा कितना आता है मोलर मास बताओ पहले तो। 58 आएगा बेटा, बिल्कुल 58 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आने वाला है ये?
29, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एन फैक्टर का यूज करके इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इससे काम आसान हो गया। रिएक्शन देख के वेट का यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिटरी मेथड बच जाता है हमारे से, डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन एन फैक्टर हमेशा इतनी आसानी से नहीं आएगा, तो इसलिए हमको एन फैक्टर की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग केसेस में हम देखते हैं। यहाँ तक आई होप सबने लिख लिया है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके आंसर आपसे पूछूंगा। हाँ, इसीलिए मैंने नॉर्मालिटी पहले नहीं सिखाया था, नॉर्मालिटी अपन अब सीखेंगे। एन फैक्टर निकालना आ गया तो फिर नॉर्मालिटी सीख जाएंगे, नॉर्मालिटी तो बहुत आसान है, एन फैक्टर आना चाहिए बस। हाँ, दो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो भाई लिखें अगला सवाल, सबने कर लिया ये, लिख लिया। अरे एन फैक्टर के बहुत केसेस हैं अभी, ये एसिड बेस तो आसान है, अभी रिएक्शन पे तो आएंगे, तो एसिड बेस तो ठीक है, बाकी आगे के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बेटा थोड़े, एन फैक्टर है ना। देखो, इन द गिवन केमिकल रिएक्शंस, इन द गिवन केमिकल रिएक्शंस कॉमा फाइंड एन फैक्टर, फाइंड एन फैक्टर ऑफ दी अंडरलाइंड स्पीशीज। तो जो चीजें अंडरलाइंड है उनका इनफेक्टर बताना है। अरे डरा कहाँ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सत्य है भाई, ये सत्य बता रहा हूं तुम लोगों को कि ये सत्य है, इसको मान के चलो तो खुश रहोगे जीवन में, है ना। अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि सर ये भूल गए वो भूल गए, इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर लूँ। चलो, तो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ और अंडरलाइन कर दूंगा, तो मैं इनफैक्टर बताते चल रहा हूँ। तो H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिविंग यू CaSO4 प्लस 2H2O। तो जिस जिसको अंडरलाइन किया जा रहा है उस उसका इनफैक्टर तुमको बताना रहेगा। सेकेंड, CH2NH2 CH2NH2 प्लस H2SO4 गिविंग यू CH2NH3 प्लस CH2NH2 एंड HSO4 नेगेटिव। थर्ड केस H3PO4 प्लस BaOH होल ट्वाइस गिविंग यू BaHPO4 प्लस 2H2O फोर्थ। इसमें से एक दो केस में तुमको बता दूंगा कि कैसे सोचना है और बाकी के तुमको खुद करने होंगे। फिफ्थ, चलो तो पांच केसेस कर लो, या एक और दे देता हूँ, चलो ठीक है, तुम छह केसेस कर लो। सो यू हैव AL
एच होल थ्राइस प्लस ट्वाइस ऑफ एच सी एल गिविंग यू ए एल ओ एच सी एल टू प्लस टू एच टू. छह केसेस कर लेते हैं. तो यहाँ स्कैन फैक्टर और स्कैन फैक्टर बताना है. तो ये छह केसेस हैं, इनको करो, इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं. इसमें से मैं एक समझा देता हूँ तुमको, कौन सा समझाऊँ, सेकंड या थर्ड. चलो सेकंड समझा देता हूँ, सेकंड में बता दूंगा, बाकी तुमको करना रहेगा. एक बार लिख लो सारे, आई एक्सप्लेन सेकंड एंड फिर यू विल डू द रिमेनिंग. वंस यू आर डन राइटिंग लेट मी नो, है ना. सबने लिख लिया. ठीक है, अब देखो सेकंड केस में समझा देता हूं आपको. बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, अगर आपने मतलब समझा है तो आपसे हो जाएगा. तो बेटा अपन ने क्या कहा था, एसिड क्या करता है, H प्लस देता है या OH माइनस लेता है, यही कहा था. तो ये बताओ इन इन दोनों में से एसिड कौन है, इन दोनों में से एसिड कौन है, इस रिएक्शन के अंदर इन दोनों में से एसिड कौन है, H2SO4. अच्छा कितने H प्लस दे दिए उसने, अगर H2SO4 खुद बन गया HSO4 नेगेटिव तो उसने कितने H प्लस दे दिए, एक तो दे सकता था वो दो, लेकिन रिएक्शन के हिसाब से अभी तक उसने कितने दिए हैं भाई, वो दो दे सकता था लेकिन रिएक्शन होने पर अभी तक उसने कितने दिए हैं, एक दिया है, है ना. तो इसका इनफैक्टर कितना आने वाला है, वन. अच्छा बेस क्या करता है, OH माइनस देता है, बेस OH माइनस देता है या फिर क्या करता है, H प्लस लेता है, यही दो चीजें लिखी ना. ऐसे ही लिखा ना वैभव बेटा, यहाँ प्लस जरूरी नहीं है, मैंने ये सिंगल कंपाउंड दिया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब तुम अलग अलग करके लिखना चाहो तो ब्रेक करके लिखो इसको, मैंने सिंगल कंपाउंड दे दिया है. हाँ भाई, तो ये बेस क्या कर रहा है, यहाँ OH माइनस दे रहा है क्या, ये बेस इज इट गिविंग OH माइनस, नहीं. क्या कर रहा है ये, क्या किया इसने, H प्लस ले लिया है ना, H प्लस ले लिया, OH माइनस तो देने के लिए था ही नहीं इसके पास. कितने H प्लस लिए बेटा, एक मॉलिक्यूल ने, एक. तो इसका स्कैन फैक्टर कितना आएगा, स्कैन फैक्टर भी आ जाएगा वन. तो जरूरी नहीं है कि OH माइनस दिया जाए बेस के द्वारा या H प्लस दे एसिड, वो कुछ ले भी सकता है. तो वो दोनों डेफिनेशन अपन ने इसलिए लिखी थी उन बातों की. ठीक, अब लॉजिक समझ में आया, बहुत ही सिंपल है. अब थोड़ा इस लॉजिक से दिमाग लगाओ, बट दिमाग लगा के करना ना, डायरेक्ट मत लिखना, गलती करो चलेगा लेकिन दिमाग लगा के गलती करना, बिना दिमाग लगाए गलती मत करना, कुछ सोच समझ के करना गलती अगर करो तो. चलो इसको कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ एक मिनट. हाँ भाई सारे करने हैं, जल्दी करो, अभी डिस्कस करेंगे फिर अगले केस पे आगे बढ़ेंगे. करो करो जल्दी करो. हाँ भाई एक काम करें, पहले तीन डिस्कस कर लें क्या, उसके बाद फिर अगले तीन कर लेना.
तो पहले वाले में बेटा H2SO4 का इन्फेक्टर कितना, दो लिख दें, 2H+ दे दिए ना उसने भाई। H2SO4 जो है वो सिर्फ SO4 रह गया, 2H+ हट गए उसके, दोनों H+ दे दिए ना उसने, उसकी जगह कैल्शियम आ गया। अच्छा, और CaOH में से कितने OH चले गए, कितने OH चले गए यहाँ से, दो, तो इसका इन्फेक्टर कितना आएगा, दो आएगा। सत्य है या नहीं है या झूठ है, ये सच है ना। चलो आगे बढ़े, थर्ड वाला केस और करें, फिर तुमसे फिर पूछूंगा मैं। तो बेटा थर्ड वाले में H3PO4 में से कितने H+ चले गए, कितने H+ गए, दो गए ना, तीन में से दो गए, तभी तो एक बच रहा है, तो इसका इन्फेक्टर कितना लिखना है, टू। अच्छा, BaOH होल ट्वाइस में से कितने OH माइनस चले गए, BaOH होल ट्वाइस में से यहाँ कितने OH माइनस चले गए, दोनों चले गए ना। अरे एक कौन कह रहा शशांक, एक दोनों तो चले गए बेटा, कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा OH दिख रहा है तेरे को। ठीक है ओम बेटा, ठीक है, तो बेटा एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ भी दो आ जाएगा, ठीक, सही है, दिक्कत तो नहीं है। चलो तो अगले तीन केसेस और कर लो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, डू दीज थ्री केसेस, है ना। आई एम गिविंग यू हाफ अ मिनट, बहुत है क्या। एक मिनट, चलो करो, दिया एक मिनट तुम्हारे। आयन से क्या फर्क पड़ेगा विजिक्षु, तुम्हें तो एन फैक्टर बताना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। सोच के लॉजिकली आंसर बता दो। करेंगे डिस्कस जनता, अब तो कर लिए होंगे। कर लें डिस्कस, चलो यहां ZnOH होल ट्वाइस, पहले तो ये बताओ ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है इस रिएक्शन में, क्या किया इसने, OH माइनस दे दिए कि OH माइनस गेन कर लिए, गेन कर लिए ना, तो जो एच माइनस गेन करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, बिल्कुल। तो पढ़ा था अपन ने ZnOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक होता है, अभी कितने ओ एच माइनस ले लिए बेटा इसने, हाउ मेनी ओ एच माइनस, दो, तो एन फैक्टर क्या आएगा, दो। नेक्स्ट AlOH होल थ्राइस, कितने ओ एच माइनस दे दिए बेटा, एक AlOH होल थ्राइस ने कितने दिए, तीन, तो इसका एन फैक्टर थ्री, ठीक है। सिंगल एल्यूमिनियम होल थ्राइस ने तीन ओ एच माइनस दे दिए, H2SO4 ने कितने H+ दे दिए बेटा रिएक्शन में, दो, तो एन फैक्टर आ जाएगा दो, बिल्कुल सही बात है। लास्ट AlOH होल थ्राइस इस रिएक्शन में कितने OH दे देता है, दो, है ना, एक बच गया उसके पास, तो एन फैक्टर टू। HCl ने कितने H+ दिए, एक HCl ने, एक सिंगल HCl ने कितने H+ दिए, एक, तो एन फैक्टर वन, बिल्कुल। ऑल राइट, तो एसिड बेस रिएक्शंस में एन फैक्टर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सिंपल है ना, बस एक बार लॉजिक समझ में आ जाए, बिल्कुल। फिफ्थ वाला मोहित कुछ नहीं हुआ उसमें, कैसी बातें करता है, इस कंपाउंड में से एक AlO छोलता है, इसमें से कितने वज चलेगा बताना जरा, यहाँ कितने वज गायब होगा इसके, एक के छह मत बोल देना तू ना, बस, तो तीन आ गया ना इन्फेक्टर, क्या दिक्कत है।
चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट एन फैक्टर फॉर एसिड्स एंड बेसिस. नेक्स्ट सेकंड इज फॉर सॉल्ट्स एंड आयंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. दिस वाज नंबर वन फॉर एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, ये हमारी पहली कैटेगरी थी फॉर एसिड्स एंड बेसिस एंड फैक्टर की. सेकंड कैटेगरी पे आते हैं हम लोग. फॉर सॉल्ट्स एंड आयंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. For salts and ions dissolved in water. तो अगर कोई सॉल्ट है या आयन है जो पानी में घुला हुआ है तो उसका एन फैक्टर कैसे लिखेंगे? ये बहुत ही सिंपल केसेस होते हैं हमारे लिए. तो इसमें लिख लो एन फैक्टर फॉर सॉल्ट. एन फैक्टर फॉर सॉल्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायंस और एनायंस. या तो सारे कैटायंस का टोटल चार्ज निकाल दो या सारे एनायंस का टोटल चार्ज निकाल दो. और ये दोनों वैल्यू सेम होंगी कि नहीं होंगी? सॉल्ट है अगर तो सेम होंगी या नहीं? सेम होंगी. सॉल्ट तभी कहते हैं कि भाई जब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है तो पॉजिटिव नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है. तो कोई भी एक निकाल लो, दोनों से काम आ जाएगा. अच्छा, अगर आयन हुआ तो और भी सिंपल काम हो गया. एन फैक्टर फॉर आयन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन. एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है, वो एन फैक्टर है. यहां तक लिख लो. इसका भी एग्जाम्पल करते हैं अपन. तो इसके एग्जाम्पल में भी दो कॉलम बनाएंगे. पहले कॉलम में सॉल्ट या आयन, और दूसरे कॉलम के अंदर एन फैक्टर. तो पहला CaCl2, दूसरा NaCl, तीसरा Al2SO4 होल थ्राइस, चौथा CuSO4.5H2. देन नेक्स्ट इज FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 2H2O. उसके बाद Ca3PO4 होल ट्वाइस. उसके बाद KCl.MgCl2.4H2O. उसके बाद आयंस लिख लेते हैं अपन. PO4 3- NH4 सिंगल पॉजिटिव, Al+3, सोडियम+1, SO4 2-, Fe+2. आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं. तो इनको अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. बट तुम लिख लो, तो एज सून एज यू फिनिश राइटिंग तो फिर अपन लोग डिस्कस कर लेंगे. तो बहुत ही सिंपल है बेटा. CaCl2 का एन फैक्टर क्या आएगा डेफिनेशन के हिसाब से बता दो जरा. टोटल कैटायंस पे चार्ज या टोटल एनायन पे चार्ज गिन लो कितना है. 2 आएगा. CA एक ही है, +2 है. ये दो Cl हैं, 2- हो जाएगा टोटल.
किसी से भी देख लो आएगा दो, ये बात समझ में आती है। टोटल या तो कैटायन पे चार्ज या टोटल एन आयन पे चार्ज, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। NaCl एक आएगा, बिल्कुल है ना। अब इससे आसान तो क्या ही सवाल पूछूंगा तुमसे मैं, ये केमिस्ट्री में क्या ही पूछेंगे इससे आसान सवाल। Al2SO4O3, अगर ये गड़बड़ किया तो तुम्हें मतलब बहुत पिटाई खाने के हकदार हो तुम, अगर ये गड़बड़ करते हो तो। तीन जो जो कह रहे ना वो बहुत बहुत पिटाई खाएंगे बेटा। Al2SO4O3 में गिनना जरा टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा। विजिक्षु बहुत बहुत पिटाई खाने के हकदार है तू, मतलब पहले तीन फिर दो, छह आएगा आंसर। दो एल्यूमिनियम है प्लस थ्री में, Al+3 दो है तेरे पास, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज छह हो गया। या सल्फेट ले ले, SO4 2- है, ये तीन है तेरे पास, तो भी टोटल चार्ज छह हो गया। नाम मतलब, अब तू मिल मेरे को, तू क्लास में मिल तो सही, तेरी पिटाई नहीं हुई तो। सही है ना, एक हिसाब रखेंगे कि जो जो क्लास में पिटाई ड्यू है सबको पिटाई खाने को मिलेगी जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। हाँ भाई, अब नॉर्मली तो नहीं मारता लेकिन अब ऐसी हरकतें करोगे तो पीटना पड़ेगा ना, जिससे याद रहे। हाँ कॉपर सल्फेट, कौन कौन से आयन्स है इसमें, हिम्मत देखो जिक्षु की। ये कह रहा है छह कैसे हुआ, ये भी पूछ रहा है समझाने के बाद, छोड़ो। हाँ कितना आएगा आंसर, टू आएगा बेटा। कॉपर पे +2 या सल्फेट पे -2, H2O तो आयन बनाता नहीं है, पानी तो पानी है, पानी के अंदर पानी पानी रहेगा, उसके चार्जेस नहीं गिरेंगे अपन, ठीक है, टू आएगा। अब Fe(SO4)NH4O2SO4 कितना आएगा आंसर, चार ही आएगा, बिल्कुल। या तो टोटल पॉजिटिव गिन लो भाई, Fe पे +2 है और अमोनियम के +1 के दो हैं, ऐसे कर लो, या फिर सल्फेट पे -2 है, SO4 पे -2 और इधर भी SO4 पे -2, तो या तो टोटल पॉजिटिव देख लो या टोटल नेगेटिव देख लो, आने वाला तो वो 4 ही है। सही है ना, क्लियर है? तो अब इतना क्लियर है तो अगले वाले का आंसर तो बता ही दोगे तुम मेरे को, और उसके अगले वाले का भी बता दोगे, है ना। तो नेक्स्ट इज 6, उसका अगला वाला KCl.MgCl2 3। वेरी गुड। आयंस तो बेटा बहुत ही आसान है, क्या लिखा था आयंस के बारे में अपन ने, तो PO4 पे कितना लिख दूं मैं, 3, NH4+1, Al+3 का 3, Na+1, SO4 का 2 और Fe का 2, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं पूछ रहा ना, पूछ भी मत लेना गलती से, हाँ नहीं तो मतलब एकदम मेमोरी में याद हो जाएगा ये तो, कि इसकी पिटाई होनी है क्लास ओपन होने पे सबसे पहले, ठीक है। इसमें भी डाउट आ गया क्या, शर्म करो, कहाँ डाउट आ रहा है। हाँ ठीक, तो ये सही है, ये आसान है। तो ये हमारे दो केसेस हो गए, एसिड बेस में कैसे करना है और सॉल्ट्स और आयंस के लिए कैसे करना है। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अरे विजिक्षु बाकी क्लियर होगा तो छह भी आ जाएगा ना, एल्यूमिनियम तीन है, नहीं सॉरी एल्यूमिनियम दो है Al2 में और हर एक पे +3 चार्ज है, तो छह आ जाएगा ना। अभी जब जब तेरे को Fe(SO4)NH4O2SO4 समझ में आ गया तो Al2SO4O3 में क्या दिक्कत है, वो भी वैसे ही है, टोटल के टाइम्स पे चार्ज गिन ले। ओके नेक्स्ट थर्ड केस, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, ऐसे बता दो।
उतना तो आता ही होगा उसको, अगर वो नहीं आता तो फिर तो कैसे काम चलेगा। चलो भाई, थर्ड केस फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ना हो फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें लिखो एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्ट। डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्ट, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, बाकी सबके आंसर तुम बताओगे। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, जो अंडरलाइंड है उसका एन फैक्टर बताना रहेगा अपने को। एक केस में बता दूंगा, बाकी आपको करने रहेंगे। पहले लिख लो और जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आपको एन फैक्टर बताना रहेगा। कितने एग्जाम्पल कर लें, तीन कर लें क्या? बहुत है मेरे ख्याल से, चार कर लें। चलो एक और बता देता हूँ, चार कर लेते हैं। फोर्थ Na2HPO4 NaOH गिविंग यू Na3PO4+H2। अरे प्लस अंडरलाइन नहीं है यार। लो खुश रहो तुम, लो बस प्लस अंडरलाइन नहीं है। एक मैं बता देता हूं, बाकी आपको करना है। तो बताऊं एक केस या लिख लियो? लिख लो। नहीं, कहाँ पॉज किया भाई, कुछ भी तो पॉज नहीं किया। लिखा, चलो तो कौन सा केस बता दूं? थर्ड बता दूं, फर्स्ट बता दूं, फर्स्ट या थर्ड तुम डिसाइड कर लो भाई, मैं बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट बता देता हूं, एज यू विश। देखो बता रहा हूं, सुनो सुनो, दोनों नहीं भाई, कुछ तो करो खुद से। सुनो इस बात को, मैं बता रहा हूं। तो यहाँ NH4 O2SO4 का पता करना है आपको, है ना? तो बेटा NH4 ओल्ड ट्वाइस किस में कन्वर्ट हो गया? NH4OH में। तो इसमें से नेगेटिव चार्ज कितना डिस्प्लेस हुआ? SO4 2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज कितना डिस्प्लेस हो गया? दो। तो बस एन फैक्टर टू आ गया। भाई जितना चार्ज हट रहा है जिसकी जगह कहीं और से कोई दूसरा
उतना ही चार्ज आ रहा है तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ वो बताना है बस, और क्या। ठीक है, तो अगला वाला और बताओ भाई, Na2CO3 का एनफैक्टर कितना आ रहा है? Na2CO3 का एनफैक्टर अगर पूछा जाए तो कितना आएगा? दो ही आएगा, सही बात है भाई। Na2CO3 में से दो CO3 2 नेगेटिव चलेगा, उसकी जगह दो Cl आ गए, है ना, इनफैक्टर टू। तो ऐसे देख सकते हो कि दो CO3 हट गए, या मतलब CO3 पे टू नेगेटिव हट गया, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो यहां से क्या हट गया, दो Na+ हट गए, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से आ जाएगा, उससे भी देख सकते हो। आंसर दोनों से सेम ही आएगा दो। बात समझ में आई है ना, क्लियर है? अब इसमें से क्या हट गया और कितना कितना हट गया, CHPO4, अगर CNPO4 में जाता है तो कितना चार्ज हटता है, एक, तो इनफैक्टर कितना आएगा, एक आ जाएगा, सही बात है, वन एज इनफैक्टर। भाई एक H+ हट के उसकी जगह Na+ आ गया तो इनफैक्टर वन हो गया, वन हुआ ना। और लास्ट केस Na2HPO4 बेटा, अब ये तो सिंपल हो गया, तीन बताने के बाद तो आ जाना चाहिए। अब इसका इनफैक्टर वन, एक H+ हट रहा है उसकी जगह सोडियम आ रहा है, एक H+ हट के उसकी जगह सोडियम आ जाता है तो आपका इनफैक्टर वन आ जाता है। इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम अपनी अगली केस पर आगे बढ़ जाते हैं जो थोड़ा बड़ा केस रहेगा फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, जो हमारे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम भी आने वाला है, फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी से नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया क्या? ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर अपन बात करेंगे कुछ और चीजों की। तो उसमें लिखो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट भी कहते हैं उसको, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो उसमें लिखो स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट इज द वन विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वन विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा। ओके, सम स्पीशीज विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का क्या होगा, उसका खुद का क्या होगा बेटा, जो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। वेरी गुड, इसी लॉजिक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या लिखेंगे, जो खुद रिड्यूस हो रहा हो,
और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। सही बात है। तो स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन प्रोसेस species undergoing reduction process, that is the one which क्या होगा gains की loses, gains electron, सही बात है, which gains an electron and itself gets reduced, उसको हम oxidizing agent या oxidant कहेंगे जो खुद reduce हो रहा हो। वो oxidizing agent हो जाएगा। अब इस केस में n factor कैसे लिखेंगे? N factor for a species in a redox reaction is equal to reductant is also called an antioxidant, नहीं normally नहीं, हाँ ये है एंटी ऑक्सीडेंट होता वही है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कंज्यूम कर ले, बट ऐसे नहीं कहते अपन एंटी ऑक्सीडेंट, जनरली नहीं कहते एंटी ऑक्सीडेंट्स, इज जनरली यूज इन बायोलॉजिकल टर्म्स, बट हाँ ठीक है कह सकते हो। तो एन फैक्टर इस केस में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, total change in oxidation number of atoms undergoing oxidation or reduction per molecule, एक single molecule per जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है सारे एटम्स में जो या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं उनका, कैसे करेंगे उसको समझा दूंगा, थ्योरी वाइज ऐसे लिखते हैं या फिर और इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख तो सकते हैं बट उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल इन अ रेडॉक्स रिएक्शन अब इसको अपन अप्लाई करना शुरू करते हैं यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो पहला लिखो, एक समझा देता हूँ फिर आगे के कुछ आपसे करवाऊंगा मैं, फिर कुछ होमवर्क भी दूंगा। यहां तक लिखा? ठीक है भाई, तो यहां तक लिख लिया तो मैं कुछ समझा दूं आपको एक केस में, फिर अगला मैं आपसे पूछूंगा। तो बेटा यहां पर देखते हैं MnO4 नेगेटिव गोइंग टू Mn+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, Mn+7 में था, यहां से कहां गया ये +2 में, आपको n फैक्टर निकालना है MnO4 नेगेटिव का, ठीक है, इसका n फैक्टर निकालना है। तो n फैक्टर इज इक्वल टू
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा कितने MN है पहले तो ये बताओ, MnO4- के एक मॉलिक्यूल में, सुनना इस बात को ध्यान से, अभी तो सिंपल केस दिया है इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, सुनो अभी सिंपल केस दिया है इसलिए डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, लेकिन लॉजिक अगर ध्यान से सुनोगे तो कॉम्प्लेक्स केस में भी सेम लॉजिक से आंसर निकाल पाओगे। सबसे पहले एक MnO4- में कितने MN के एटम्स हैं, एक, तो एक, ठीक है, और कहां से कहां तक जा रहे हैं, 7 से 2। तो अब ये है कि या तो ये रूल यूज करोगे हमेशा हायर माइनस लोअर करोगे, या फिर मॉड लिखना है, ठीक है, हायर माइनस लोअर या फिर हमेशा मॉड लिखना है, ये मैंने बताया था बिल्कुल। तो 7 - 2 तो कितना आ गया बेटा इसका n फैक्टर, 5, ठीक है, फेयरली सिंपल। अगला केस Fe+2 गिविंग यू Fe+3, इसका n फैक्टर एक आएगा, बिल्कुल, एक आयरन है और कहां से कहां 2 से 3 जा रहा है, तो 3 - 2, हमेशा हायर माइनस लोअर करेंगे अपन क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना होता है, 1 आएगा, सही बात है। थर्ड केस C2O4 2- गिविंग यू 2 CO2, और इसमें आपको C2O4 2- का n फैक्टर बताना है। कितना आएगा, आसिम सही है तेरा आंसर, अक्षत गलत है, पर ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। आयुष ठीक है भाई, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना जरा, इसमें क्या है, +3 और प्रोडक्ट में क्या है, +4, ऑक्सीजन तो -2 से -2 में ही रहा, ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीजन, है ना। अब एक C2O4 में कितने कार्बन है, एक C2O4 में कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन है, और कहां से कहां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, 3 से 4, बिल्कुल, तो 4 - 3 कितना आएगा ये बेटा, 2 इन फैक्टर, समझ में आया। पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल या आयन के अंदर जितने एटम्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय चेंज, लेकिन याद रखना बाद में ये मत गड़बड़ करना कि यहाँ 2 लिख दिया, अगर आगे ऐसे लिख दिया था 2C2O4, तो यहाँ 4 ले लोगे क्या, यहाँ 4 करोगे क्या, तुम नहीं करना है 4 आपको पर मॉलिक्यूल बेटा, ये तो 2 मॉलिक्यूल कह रहा है, आपको तो एक मॉलिक्यूल में देखना है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 ही है, तो यहाँ 2 ही लिखोगे आप, या फिर आप 4 से करोगे तो क्या होगा कि ये 4 आया लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल के लिए आया, तो जो भी आएगा उसको बाय 2 करोगे, अपन इसके एग्जांपल करवा दूंगा आगे आपको। तो बैलेंसिंग जो है वो उससे डायरेक्ट यूज नहीं करना है, अभी मैं समझाता हूँ, इसका एग्जांपल ही कराता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। फोर्थ केस Cr2O7 2- गिविंग यू 2 Cr+3, ये होमवर्क रहेगा, ये अभी मत करना, मैं 2-3 और दे रहा हूं, उसमें से एक केस में समझाऊंगा, बाकी आपको करने रहेंगे। तो फिफ्थ इज 3 MnO4- गिविंग यू 2 Mn+2 Mn+6, तो अब यहां कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं तो इसलिए इनको लिख लो, मैं समझाऊंगा, एक समझाऊंगा कैसे करना है, उसके बाद आप करोगे घर पे। सिक्स्थ इज 3 MnO4- गिविंग यू 2 Mn+2 Mn+4, और 7th इज 2 MnO4- गिविंग यू Mn+2 Mn+6।
इसमें आपको सी आर टू सेवन का इनफैक्टर यहाँ एम एन ओ फोर माइनस का, यहाँ एम एन ओ फोर माइनस का और यहाँ एम एन ओ फोर माइनस का। मैं एक केस आपको करके बता देता हूँ फिफ्थ, बाकी आप करोगे। ठीक है, तो बाकी आप करोगे, मैं एक केस करके बता रहा हूँ आपको, लिख लो सब लोग, एक केस कर लेते हैं, बाकी के आपके होमवर्क रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, फिफ्थ डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, इनमें से कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। लिखा सब लोगों ने? अरे किस चीज का मतलब पूछ रहे हो, मैंने कुछ बताया ही नहीं है तो मतलब क्या पूछ रहे हो? अरे तो डिस्प्रोपोर्शन जिसने पूछा था उसको बोल दिया नहीं है, अब जब पढ़ाऊंगा तब सिखा दूंगा ना, मतलब हर चीज पूछते रहते हैं, सिखाऊंगा। चलो फिफ्थ केस डिस्कस करना है, तो बेटा देखो अपने को यहां दिया है थ्री एम एन ओ फोर माइनस गिविंग यू टू एम एन प्लस टू प्लस एम एन प्लस सिक्स। अगर मैं एक सिंगल एम एन ओ फोर माइनस को देखना चाहूं तो क्या मैं बता सकता हूं कि वो इसमें गया या इसमें गया, बता सकता हूं क्या? एक अकेले एम एन ओ फोर माइनस पे बोल सकता हूँ कि वो किस में गया होगा? नहीं बोल सकता ना। मुझे ये पता है कि तीन में से दो यहाँ गए और एक यहाँ गया, ये मुझे पता है, बट एक अकेला किस कौन से में गया ये मुझे नहीं पता। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन तीनों के लिए एन फैक्टर मिक्स निकाल लेते हैं और फिर एक के लिए निकालना होगा तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे, सुनना इस बात को, आप डेल्टा ओ एन निकालोगे पहले, ठीक है, डेल्टा ओ एन डिफरेंस इन ऑक्सीजन नंबर। तो बेटा ये टोटल कितने एम एन हो गए आपके पास, तीन मॉलिक्यूल मिला के कितने एम एन हो गए, तीन। अच्छा उसमें से दो कहां से कहां गए, ये प्लस सेवन में से प्लस टू और प्लस सिक्स, तो दो कहां से कहां है, दो जो थे वो कहां से कहां आए हैं, सात से दो, तो दो तो सात से दो आ गए, और जो एक रह गया यहाँ पे, एक रह गया, ये एक कहाँ से कहाँ आया, सात से छ, तो ये टोटल डेल्टा वन कितना आया, दो आए सात से दो, एक आया सात से छ, तो टोटल डेल्टा वन कितना आया, ग्यारह। लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए, कितने आयंस के लिए, फॉर हाउ मेनी आयंस, थ्री, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ दिक्कत होगी तो तीन के लिए अपन निकाल लेंगे, फॉर थ्री एम एन ओ फोर माइनस डेल्टा वन ग्यारह आ गया, तो देयर फोर फॉर वन एम एन ओ फोर माइनस डेल्टा वन कितना आएगा, इलेवन बाय थ्री, देयर फोर एन फैक्टर क्या लिखेंगे अपन, इलेवन बाय थ्री। तो जब कभी ऐसा केस आए जहां एक के बारे में कुछ नहीं पता है, तीन के बारे में पता है, चार के बारे में पता है, दस के बारे में पता है, तो टोटल का निकाल लो, और टोटल का निकाल के क्या करोगे आप, क्या अप्लाई करोगे, यूनिटरी मेथड। ये सही बात है, बिल्कुल अर्नब, ये एवरेज है, बिल्कुल ये एवरेज अपन ने निकाला। ठीक, सही है ना लॉजिक। अब इस लॉजिक से बचे हुए दो, फिफ्थ मैंने कर दिया, सिक्स और सेवन्थ आपको करने हैं, और फोर्थ में तो सिंपल है, ये आपको करने हैं, ये है आपका अगली क्लास के लिए होमवर्क, ठीक, और प्री रीड करके आना है अपने को चीजों को, है ना। एन फैक्टर के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी शीट में, आपके NCRT में रिएक्शंस दी हुई हैं, उनको देखो। ठीक है, तो भाई आज की थ्योरी में यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये होमवर्क के साथ आज की लेक्चर को अपन यहाँ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कर लेते हैं, ठीक है, ओके।